वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूं शेख सद, आपके साथ अल शफी ट्रैवल से। आज आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई, मैंने कहा आप लोगों को इस बारे में बता दूं कि उमरा वीज़ा जो कि है सऊदी की जानिब से बंद कर दिया गया है और हुजाज परेशान हैं और मुझसे बार बार पूछते हैं कि साथ भाई हम लोग उमरा लगा लें, उमरे का वीज़ा लगवाएँ या उमरे की टिकट बुक करवा लें। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ इस बारे में क्लियर कर दूँ कि सऊदी अरब ने इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया, कोई इन्होंने अपडेट नहीं दी। जो वीज़ा बंद हुआ है उसको बंद करने से पहले हमें बताया जाता था, पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता था सऊदी एम्बेसी की जानिब से या सऊदी जो है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा जो है उनकी जानिब से कि भाई हम उमरा बंद करने वाले हैं। 30 शवाल तक उमूमन जो कि है ना रमज़ान करीम के बाद उमरा जो है वो चलता था, पाकिस्तान भी जाते थे और दूसरे मुल्कों के लिए खुला हुआ है। दूसरे मुल्कों का वीज़ा अभी भी खुला हुआ है उनका लग रहा है, सिर्फ पाकिस्तान का जो है उमरा बंद किया गया है। उमरा बंद नहीं किया गया ना इसको बैन किया गया, ऐसा भी नहीं कह सकते। जिनका पैकेज लगा हुआ था, जिनके वीज़े लगे हुए हैं वो जा सकते हैं और वीज़े नहीं लगाए जा रहे, सिर्फ पाकिस्तान के लिए सख्ती की गई है। इसका पीछे कोई रीज़न नहीं बताया उन्होंने, सऊदी एम्बेसी वालों से बात की है तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया इस पर कि क्यों वीज़ों को रोका गया, क्यों वीज़े बंद किए गए हैं। और हुज्जाज करीम बहुत ज़्यादा परेशान है, जिन्होंने इरादा किया था कि खास शवाल के बाद रमज़ान के बाद उड़ जाएंगे शवाल में, क्योंकि शवाल में रेट्स थोड़े मुनासिब होते हैं रमज़ान की नस्बत। तो रमज़ान में जो हुज्जाज नहीं जा सके उन्होंने उमरा करने जाना था अभी शवाल में। तो अब इसका जो अपडेट नहीं आई है वो क्या है, इसकी नई अपडेट जो है वो ये है कि सऊदी वीज़ा जिन्होंने अप्लाई किए हुए थे, जिनके वीज़ा अप्लाई हुए हैं जो ट्रैवल एजेंट्स के पीछे भाग रहे हैं, हाँ जी वो कह रहे हैं कि हमारा वीज़ा क्यों अभी तक नहीं आ रहा, तो उनके लिए ये न्यूज़ है कि उनका वीज़ा स्टक हो चुका है। वीज़े जो जितने भी सिस्टम में डाले गए वो सारे स्टक हो गए हैं और वो वीज़े निकल के नहीं आ रहे। वीज़ा जब आप डालते हो तो उसमें प्रोसेसिंग होती है या तो फिर वो होता है सेंड टू एम्बेसी। एम्बेसी अगर हो जाए तो आप एम्बेसी में वहाँ पर एप्लीकेशन भेज कर भी अपना वीज़ा निकाल सकते हो, लेकिन ना सेंड टू एम्बेसी हो रहा है ना प्रोसेसिंग हो रहा है, वीजा बीच में स्टक हुआ है। अगर स्टक हो जाए तो उसमें फिर ये इस कंडीशन में ये होता है कि वीजा कभी भी निकल के आ सकता है 48 आवर्स के अंदर, लेकिन इस चीज को जिन लोगों के वीजे अप्लाई हुए हैं उसको एक एक हफ्ता होने वाला है, 10-10 दिन होने वाले। तो देखने को जो लग रहा है यहाँ तो ये पैसे ही ज़ाया हो चुके हैं उनके, जो उनके वीज़ा लगे हैं पैसे, क्योंकि पहले एम्बेसी मांगती है एडवांस, तो पैसे आप लोगों की जो पेमेंट है वो जा चुकी होगी और वीज़ा की जो अमाउंट आप लोगों ने पे किया वो सारी ज़ाया हो चुकी होगी उसमें। यहाँ तो फिर ये होगा कि शवाल जब ख़त्म होगा, हज जब शुरू होगा, हज के बाद मुहर्रम में शायद हो सकता है आप लोगों के वीज़े निकल कर आएँ, ये भी एक सूरत हो सकती है। या इस पर अगर सऊदी ने कोई गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल जो कि उन्होंने अनाउंसमेंट की तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, एक शॉर्ट वीडियो बना के इसी तरह लॉन्ग वीडियो में बना के आप लोगों के साथ शेयर दूंगा। और इसका जो रीजन है, एग्जैक्ट रीजन जो है वो बिल्कुल नहीं बताया जा रहा, ना उन्होंने पाकिस्तान को बैन किया ना कुछ किया, इस तरह का कोई उन्होंने ना स्टेटमेंट दिया है, बस वीजे लगना बंद हो गया अचानक से पाकिस्तान के। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसकी वजूहत क्या है, ये जो कि आगे चल के जैसे ही मालूम होगी ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है होटल्स वगैरह की वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो ये थी आज की वीडियो, मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ, जो लोग परेशान हैं जिनका वीज़ा नहीं लग कर आ रहा तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशल बनाई है कि वीज़ाज बंद किए गए हैं सऊदी की जानिब से। इसमें ना एजेंट का पाकिस्तान का कोई कसूर है, ना पाकिस्तानी एजेंट्स का कोई कसूर है, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कोई कसूर है। ये सऊदी गवर्नमेंट की कुछ भी होती है चेंजेस तो वो लोग इसको चेंज कर देते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझको इजाज़त दीजिए, जज़ाकुमुल्लाह खैर।